भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट सिटी पार्क में बादाम का पौधा रोपा है और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई और शाम को होने वाली कोरोना समीक्षा बैठक में सख्त कदम उठाने के संकेत दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर जो कदम अब तक उठाए गए हैं उसको और बेहतर करना जरूरी है और उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं सहित धर्मगुरुओं को पत्र लिखकर सहयोग मांगने की भी बात कही है। पौधा लगाया है, बादाम के गुण हम सब लोग जानते हैं। कोरोना संक्रमण आज भी लगातार बढ़ा है। आज 1700 से ज्यादा मामले पॉजिटिव मध्य प्रदेश में आए हैं, संख्या रोज बढ़ रही है। इंदौर में 450 से ज़्यादा, 472 और भोपाल में 382-385 लगभग ऐसे नंबर आए हैं। अभी एक रिव्यू मैंने किया है, लौट के आने के बाद मैं एक रिव्यू और दोपहर में करूँगा। कैबिनेट की आज बैठक भी है, हम वर्चुअल कर रहे हैं और मुझे गंभीरता से ये लग रहा है, मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क, मेरी होली, मेरे घर, ये अभियान तो हम चला ही रहे हैं, लेकिन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हमको कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। ये मुझे आवश्यक लगता है। एक बार फिर विचार विमर्श करके आज फिर कुछ फैसले करेंगे। मैं सभी राजनीतिक दलों को भी आज अध्यक्षों को पत्र लिखूंगा, धर्म गुरुओं को भी पत्र लिखूंगा, अपील करूंगा